हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन एजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएसएचआर टीयर फर्स्ट के 2 जुलाई के अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट आयोजित की गई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज के पेपर में किस तरह का पेपर आया था, आज का कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे गए, पैटर्न कौन सा सब्जेक्ट कठिन आया, कौन सा सब्जेक्ट ईजी आ रहा है और कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है दोस्तों, उसको इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना, जिससे उनको पता चल सके कि आने वाले शिफ्टों में क्या पैटर्न रहने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे वो उस हिसाब से तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, टीयर फर्स्ट में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं और टीयर सेकंड में आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें आपके लेटर और कंप्रेशन आता है। टीयर फर्स्ट की बात करें दोस्तों, आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट होता है, तो आपके 200 नंबर के पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल रीजनिंग की, तो आपके 225 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आप आसानी से 22 से 23 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे, क्योंकि जनरल रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर बहुत ही आ रहा है। 200 फर्स्ट शिफ्ट में भी आया तो बहुत ही आया था और अभी भी बहुत ही आ रहा है दोस्तों। जनरल रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ही जाते हैं। जीए की बात करें दोस्तों, यह करंट अफेयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस में, 25 में से आपके 14 से 16 क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन आ रहे हैं, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों आपको, तो आपको इसी के हिसाब से तैयारी करके जानी है। सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर करके जानी, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें दोस्तों, तो आपके 25 क्वेश्चन आए जिसमें से आप 15 से 18 क्वेश्चन कर सकते थे, 15 से 18, क्योंकि क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कठिन आ रहे हैं, एडवांस में ज़्यादा पूछी जा रही है, बेसिक में बहुत कम पूछी जा रही है। जो आपके एडवांस मेथ आ रही है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा एडवांस मेथ की तैयारी करके जानी है, क्योंकि बेसिक मेथ बहुत कम पूछी जा रही है और बहुत ही जी आ रही है। इंग्लिश की बात करें दोस्तों आपके, तो आप 19 से 21 क्वेश्चन आसान कर सकते थे। इंग्लिश कॉम्प्रेशन इंग्लिश का पेपर भी बहुत ही जी आ रहा है, आपका जनरल अवेयरनेस और क्वान्टिटी एप्टीट्यूड का पेपर थोड़ा हार्ड आ रहा है, जो मेथ वो कैलकुलेटिव आ रही है बहुत ज़्यादा। और जनरल अवेयरनेस की बात करें दोस्तों, करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको जनरल अवेयरनेस में तो एक तो करंट अफेयर पढ़ के जानी है, जो अभी 1 साल पहले करंट अफेयर ज़्यादा पूछा 2018 के, तो आपको 2018 करंट अफेयर पढ़ के जाने हैं, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपको एडवांस में ज़्यादा करके जानी है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। अब जनरल रीजनिंग की बात कर ली हमने, अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक सिनोनिम्स, एक हिंदी सिनोनिम्स पूछा गया था, एक इनविडियल सिनोनिम्स पूछा गया था, एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, सफिशिएंट पूछा गया था, और लास्ट ईयर रिपीटेड ऑक्यूपाई थी, कोलोस्टेज पूछा गया था, इजी था, 5 क्वेश्चन आए थे, इडियम्स पूछा गया था, थ्रो इन द टावल, और एक और इडियम पूछा गया था, टू वॉश लाइन इन पब्लिक दोस्तों, आपसे इडियम फ्रेज पूछे गए थे। अब बात करते हैं दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश में क्या टॉपिक पूछे गए थे। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, तो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था, जो 2 क्वेश्चन आए थे आपसे, इजी लेवल के थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें दोस्तों, 2 क्वेश्चन थे, एक ईजी थे, एक मॉडरेट था, 2 क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन की बात करें दोस्तों, इजी लेवल के पूछे गए थे, एरर डिटेक्शन 2। सेंटेंस रिजमेंट की बात करें दोस्तों, 2 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। एडियम फ्रेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन थे, इजी लेवल के। सिनोनिम्स भी 2 आए थे और एंटोनिम्स 2, दोनों इजी थे, और एक्टिव पैसिव इजी लेवल का था, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, एक एक क्वेश्चन इजी लेवल के। फ्रेज सब्स्टिट्यूशन की बात करें दोस्तों, इजी टू मॉडरेट था, 2 क्वेश्चन। स्पेलिंग करेक्शन आई थी इजी लेवल के 2, और क्लोज टेस्ट आया था, 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का। तो टोटली बात करें आप ओवरऑल पेपर आपका इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट रहा था, जो 25 क्वेश्चन आए थे आपके, जिसमें से आप 19 से 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। आगे बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की दोस्तों, आपसे इस क्वेश्चन पूछे गए थे एडवांस मैथ के स्टाफ से थे, इफ़ ए ट्रायंगल ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर 24 और 7 सेंटीमीटर दे रखी थी, और जी इज द सेंटर दे रखा था, केंद्र बी जी था, तो आपको फाइंड करना था सर्कम रेडियस। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे ट्रिगोमेट्री के और एलजेब्रा के, तो दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ में आपके। सबसे पहले बात करें एवरेज, सबसे पहले आपका परसेंटेज का एक क्वेश्चन आया था इजी लेवल का था, एवरेज पूछा गया था एक क्वेश्चन इजी लेवल। नंबर सिस्टम की बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन था इजी लेवल का। सिंप्लीफिकेशन आया था एक से एक क्वेश्चन इजी लेवल का था। टाइम एंड वर्क आया था इजी टू मॉडरेट। दोस्तों मैं बात करूँ, जो सीएचएसएल में जो बेसिक मैथ तो बहुत कम पूछी जा रही है, एडवांस मैथ ज़्यादा पूछी जा रही है, और जो बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है बेसिक मैथ वो क्वेश्चन भी बहुत ईजी आ रहे हैं, और एडवांस मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं, थोड़े हार्ड आ रहे हैं, तो आपको
एडवांस मेथ पे पकड़ करके जानी है। तो आपको एडवांस मेथ अगर आपकी अच्छी है तो आप आसानी से एग्जाम को करेक्ट कर सकते हो। स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया ट्रेन का, इजी टू मॉडल लेवल का था, एस एंड सी आई का था एक क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस की बात करें दो क्वेश्चन थे दोस्तों इजी लेवल के। अलजेब्रा की बात करें दोस्तों तीन क्वेश्चन, दोस्तों देख लो अलजेब्रा क्वेश्चन तीन आ गए, इजी टू मॉडरेट के थे। ज्योमेट्री के दो क्वेश्चन थे इजी थे। मेंसुरेशन की बात करें तीन क्वेश्चन आए थे इजी टू मॉडरेट, और ट्रिगोमेट्री की बात करें तीन क्वेश्चन आए थे इजी टू मॉडरेट। और डी आई आई थी इस बार दोस्तों पाँच क्वेश्चन पूछे गए, पाँच क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार डी आई के। तो आपके लिए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डी आई, क्योंकि पहले डी आई के क्वेश्चन पाँच नहीं आते थे, इस साल आपके पाँच क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डी आई के, पाँच क्वेश्चन जो इजी टू लेवल के आ रहे हैं। तो आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर भी इजी टू मॉडरेट है। तो दोस्तों आप 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे 25 में से। तो दोस्तों ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। ओवरऑल बात करें तो मैथ की, अब बात करते हैं जनरल रीजनिंग की। तो जनरल रीजनिंग में आपके दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे वेन डायग्राम संबंधित, मिशन, लेबर, रॉ मटेरियल ऐसा दिया गया था। एक आपसा एनालॉजी टाइप के पूछे गए थे, स्पोक, व्हील, वर्ड, सेंटेंस ये दिए गए थे। अब बात करते हैं कौन से टॉपिक पूछे गए थे आपसे जनरल रीजनिंग में। एनालॉजी पूछ गई थी, 203 क्वेश्चन आए थे आपके इजी लेवल के थे। ओड एंड आउट पूछा गया था 203 क्वेश्चन इजी। सीरीज पूछ गई थी दो क्वेश्चन आए थे इजी लेवल की थी। सेंटेंस एंड कंक्लूजन आया था दोस्तों एक क्वेश्चन, और डायरेक्शन का भी कंफर्म नहीं है क्या आया था नहीं आया था। सीक्वेंस का तीन क्वेश्चन आए थे दोस्तों, कोडिंग कोडिंग का तीन क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के एक क्वेश्चन आया था इजी लेवल का था दोस्तों। दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन आई थी एक क्वेश्चन इजी लेवल का था। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था एक इजी दोस्तों, कल भी आया था, कल थर्ड शिफ्ट में फर्स्ट जुलाई के, उसमें थोड़ा हार्ड लेवल के कल क्वेश्चन पूछे गए थे ब्लड रिलेशन के। मिरर इमेज का आए थे दो क्वेश्चन इजी लेवल। वेन डायग्राम की बात करें दोस्तों दो से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। पेपर फोल्डिंग की बात करते एक क्वेश्चन दोस्तों। टोटल ओवरऑल बात करें रीजनिंग की तो आपके 25 क्वेश्चन में से आप 20 से 22 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। तो आपकी जो रीजनिंग थी वो इजी लेवल की आई थी। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जीए की। तो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो करंट अफेयर के पूछे गए थे, 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं आपसे जनरल अवेयरनेस में। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था हु इज एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज पान सिंह तोमर कौन है, हु वाज पान सिंह तोमर कौन है एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था भूपेन हजारिका डैम कनेक्ट असम टू विच स्टेट, जो भूपेन हजारिका डैम है वो असम को किस राज्य से जोड़ता है एक क्वेश्चन पूछा गया था। चाइना से लॉन्गेस्ट बॉर्डर विच स्टेट ऑफ इंडिया, जो चाइना कौन से स्टेट से सबसे लंबी बॉर्डर साझा करता है एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डेंसिटी, सैयद डेंसिटी के फाउंडर कौन थे, तो दोस्तों खिलज का थे, इसका आंसर जाएगा खिलज का थे जो सैयद डेंसिटी के फाउंडर थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच स्टेट सेपरेट भूटान एंड नेपाल, भूटान एंड नेपाल को कौन सा स्टेट है जो सेपरेट करता है अलग करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था नरेंद्र मोदी की, जो नरेंद्र मोदी मूवी हाल ही में बनाई गई थी उसने कौन से किसने डायरेक्ट की थी, तो की थी उमंग कुमार ने, इसके डायरेक्शन थे इसके डायरेक्टर थे उमंग कुमार, जिसमें विवेक ओबेराय ने नरेंद्र मोदी का रोल निभाया था। एक क्वेश्चन पूछा था हु वाज द कैप्टन ऑफ 2018 वुमेन हॉकी टीम, जो हाल ही में 2018 वुमेन हॉकी टीम 2018 जो वुमेन हॉकी आयोजित हुआ था गेम उसमें कप्तान कौन थी, तो इस क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द राइटर ऑफ कामयानी, कामयानी के लिखा कौन थे क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आपसे बुक एंड ऑथर के क्वेश्चन पूछे जा रहे, कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है, तो आने वाले सप्तम जरूर पूछा जाएगा। तो आप सारे बुक एंड ऑथर के क्वेश्चन याद कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले मैंने सब आपको बता दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे सभी ऑल इंडिया चैनल के सभी सोशल मीडिया लिंक आपको यहाँ पे दे रखे हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी आप यहाँ पे क्लिक करके सभी आप ज्वाइन कर सकते हो हमें दोस्तों। इंस्टामोजो का लिंक दिया हुआ है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट हमारे ऑल इंडिया चैनल के इंस्टामोजो पेज पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर आपको SSCMTS, RIBNTPC, ग्रुप डी, हिंदी इंग्लिश मिल जाएगी, HBA क्लर्क, बैंक की, अगर आप बैंक की, रेलवे की, SSC की तैयारी करो तो आपको वहाँ पर सभी PDF मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और जो बहुत ही कम रुपए में आपको मिल जाएंगे। तो इसको अगर आप खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी अगर आप खरीद सकते हो, और या तो टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगी। तो PDF को ओपन करने के बाद इस पर क्लिक कर देना तो डायरेक्ट आप हमारे ऑफिशियली इंस्टाग्राम पेज पर पहुँच जाओगे दोस्तों। फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। ये ऑल इंडिया चैनल का YouTube चैनल का लिंक है, अगर आपको सर्च करके ऑल इंडिया चैनल का YouTube चैनल नहीं मिले तो दोस्तों इस पर प्रेस कर देना PDF ओपन करने के बाद। इस वजह से आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट ऑल इंडिया चैनल के YouTube चैनल पर पहुंच जाओगे। उसके बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसके बगल में जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाली जाएगी सभी को नोटिफिकेशन आपको समय मिलती रहेगी। तो दोस्तों जितने भी CHSL के पेपर होंगे और सभी के एनालिसिस इस चैनल पर किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो देने आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।